एक और। हाँ जी आज की बना रहे जी, जैसे मैंगो रबड़ी बनावांगे। लो जी आज बनानी है जी मैंगो रबड़ी। जैसे हम बनानी शुरू कर दिया जी, सब तो पहले गैस ऑन कर दिया जी, थोड़ा जहा सी पानी ऐड कर दिया। उस तो बाद असी ये वास्ते फुल क्रीम आधा लीटर दूध लिया जी। जब तक दूध गर्म हो रहा जी तो असी मैंगो नू इहदे च पाउण वास्ते तैयार करते हैं जी। सब तो पहले असी मैंगो का छिलका उत्तों उतार देना जी। उस तो बाद असी इहदे छोटे छोटे पीस करने हैं जी। जिन्ना छिलका उतार लिया उहदे असी छोटे छोटे पीस कर लैने जी। उस तो बाद दूसरी साइड का छिलका उतार देंगे। तो जी असी अंब नूं इस तरह कट लगा लिया, ये बड़े ईजीली ये छोटे छोटे पीस अंब दे निकल आने जी। बहुत ईजी है करना, निके निके पीस निकल गए साढ़े चौप हो गए। इसी तरह असी दूसरे पासे दे अंब का छिलका उतार देना जी। इस तरह छोटे छोटे पीस कर लेने। ये देखो जी सारा पल्प असी कढ़ लिया। थोड़ा जिहा असी दही लैके उन्हूं मैश किया जी। दुध नूं 10 मिनट हो गया जी लो फ्लेम ते कुक होंदे आ। तो हम अद्धा चम्मच असी ये दही मैश करके पावांगे। अच्छे तरह इन मिक्स कर देंगे जी। ये देखो जी लो टू मीडियम असी दूध नूं रखना जी। जे उबलन लगे तो लो कर दियो, नहीं तो थोड़ा जा फिर मीडियम ते कर दियो। तो इस तरह ही असी इन करना और असी कड़छी बराबर हिलाई जानी है ताकि नीचे ना लग जाए। फ्लेम असी लो करता जी। 5 मिनट होर हो गए कुक होते, यानी कि टोटल 15 मिनट हो गए ने। थोड़ा जहा दही असी हम अद्धा चम्मच होर ऐड करांगे, फिर इन अच्छी तरह मिक्स करांगे। लो जी 2 पीस असी ब्रेड के ले हैं। इन्हों का जोड़ा साइड वाला हिस्सा असी कट देना, विच विच की ब्रेड असी यूज करांगे। ब्रेड पीसिस नूं असी बरीक बरीक पीस कर लेने इस तरह। आ देखो जी इस तरह असी तोड़ जाने। इस तरह दे कर लेने जी इस ब्रेड नूं। आ देखो जी इस तरह असी इहनूं ब्रेड नूं बरीक कर लेना। ये देखो जी दुध गाढ़ा होना शुरू हो गया है, मलाई आनी शुरू हो गई। आ देखो बस ये ध्यान रखना जदों भी दही ऐड करना है फ्लेम नूं बिल्कुल लो कर लेना, उस तो बाद दही ऐड करना है और 5 मिनट के गैप ते करना। बस इहनूं हिलाई जाना नाल नाल ते नीचे ना लग जाए। लो जी सानूं 25 मिनट हो गए ने कुक करदे नूं। हुण चीनी ऐड करते हैं, 20 ग्राम असी चीनी पाई है, 2 वड्डे स्पून ने। बाकी तुसी आपके टेस्ट के मुताबिक वध भी पा सकते हो तो घट भी पा सकते हो। बस मोटा मोटा अंदाजा यह रखना होंदा जी, जिन्ना दुध पाया तो जदों अद्धा रह जाए तो समझो साडा रबड़ी वास्ते दुध तैयार हो गया। तो जी चीनी पाने तो बाद असी ब्रैड बरीक की है, ब्रैड के पीस असी बरीक बरीक किए ने, वो असी ऐड कर देने। इन्हों अच्छी तरह असी मिक्स कर देना है। बहुत आसान है मैंगो रबड़ी बनानी, बहुत स्वाद बनती है। लो जी गैस असी बंद करन लगे, बस इस तरह की सानू चाहिए सी। तो हुण असी इहदे ठंडे होण दा इंतजार करांगे, उस तो बाद नेक्स्ट प्रोसेस करांगे।
लो जी 10 मिनट असि इन रखिया ते हुण रबड़ी साडी ठंडी हो गई है। हुण इहदे च नैक्सट प्रोसैस करते हैं। लो जी इस तों बाद असि इहदे च मैंगो दे जिहड़े पीस छोटे छोटे कीते हुए सी ओह इहदे च असि ऐड करते हैं। अच्छी तरह असि मिक्स करांगे इहनूं। जी असी 200 ग्राम मैंगो पल्प से जो छोटे छोटे पीस किए थे वो असी मिक्स करते हैं। बाकी अपने टेस्ट के मुताबिक वध या घट तुसी पा सकते हो। अच्छी तरह असी मिक्स कर देना है। रबड़ी साड़ी बन के बिल्कुल तैयार है। सर्विस बाउल च असी शिफ्ट कर दिए। थोड़े जे मैंगो नूं असी बिल्कुल मैश कर लिया, इहदे नाल असीं गार्निश कर सकते हैं। मिक्सड सीड है, उहदे नाल असीं इहनूं गार्निश कर सकते हैं। वैसे अपनी टेस्ट के मुताबिक कोई भी ड्राई फ्रूट नाल तुसीं इहनूं गार्निश कर सकते हो। थोड़े जिहे मैंगो के पीस इहदे लगा सकते हो जी। लो जी साडी मैंगो रबड़ी बन के बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करते हैं तुहानूं पसंद आएगी। एक बार बना के देखो और कमेंट बॉक्स अपने कमेंट्स जरूर दियो कि तुहानू साडी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।